नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। रोज़ाना 50 से 100 बालों का गिरना सामान्य है, लेकिन अगर आपके बाल इससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको फिक्र करने की तो ज़रूरत होगी ही, क्योंकि आजकल कम उम्र में ही लोगों में गंजेपन की समस्या होने लगती है। खासकर माथे के आसपास के बाल तो बहुत तेज़ी से उड़ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह प्रदूषण, केमिकल युक्त पानी, शराब या स्मोकिंग, गलत खानपान, हार्मोन असंतुलन, मेनोपॉज, थायराइड या कुछ गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने या अनुवांशिकता की वजह से भी ऐसा होता है। ऐसे में आप नारियल के तेल को कढ़ाई में गर्म करें, इसमें विटामिन ई से 5 से 6 कैप्सूल डालें और कपूर मिलाएं। सारी चीज़ों को एक साथ गर्म कर लें, इसके बाद एक शीशी में भर लें। जब भी तेल की मसाज करनी हो इसी तेल का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपको माथे के पास बाल उगते हुए नजर आएंगे। बालों को कभी भी टाइट हेयर स्टाइल में ना बांधें। टाइट हेयर स्टाइल से आपके बाल सामने की तरफ से खिंचते हैं और झड़ने शुरू होते हैं। हेयर स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर या अन्य हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। बालों की नमी को सोख लेते हैं, इससे भी बाल कमज़ोर होते हैं और टूटने लगते हैं। साथ ही हमारे खान पान से भी बालों की सेहत प्रभावित होती है। ऐसे में अपने डाइट में सलाद, फल, जूस, हरी सब्जियां, दही, छाछ, अंकुरित अनाज आदि चीज़ों को शामिल करें और ज़्यादा तले हुए या जंक फूड खाने से परहेज करें। खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें और खूब सारा पानी पिएं। अगर थायराइड आदि समस्या की वजह से ऐसा हो रहा है तो विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।